बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 का ऑल मीनिंग देख चुके थे। अब जो कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग डील करेंगे। आज आप लोग को जो क्वेश्चन आंसर है उस पर, यानी कि जो बुक का क्वेश्चन आंसर है वो नहीं लिखा रहे हैं हम, जो कुछ बेसिक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले अपना अपना कॉपी पेंसिल ले लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे बच्चों वीडियो भागने लगे वहाँ पे वीडियो को क्या कीजिएगा, रोक लीजिएगा और रोक कर लिखिएगा। ठीक है, और साफ साफ अक्षरों में। चलिए पहले लिखिए, सबसे पहला भी आंसर द फ्लोविंग, आंसर द फ्लोविंग क्वेश्चन, आंसर द फ्लोविंग क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन में हम लोग लिखते हैं राइट द नेम ऑफ थ्री ग्रीन वेजिटेबल। ठीक है, राइट द नेम ऑफ थ्री ग्रीन वेजिटेबल, यानी कि तीन ग्रीन वेजिटेबल का नाम आप लोग को बताना है। चलिए बताइए, एक हो जाएगा आप लोग का कैबेज, कैबेज मीन्स क्या होता है बच्चों, बंधा गोभी। उसके बाद पी, पी मीन्स क्या होता है बच्चों, मटर होता है, स्पिंच, स्पिंच मीन्स क्या होता है बच्चों, पालक होता है, क्या होता है, पालक, है ना, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तीन ग्रीन वेजिटेबल ऐसे आप लोग से पूछ सकते हैं कि ठीक है आप फूड के बारे में पढ़े तो तीन ग्रीन वेजिटेबल के बारे में बताइए, इस तरह से आप लोग से पूछ सकता है, तीन फ्रूट के बारे में बताइए। तो आप लोग को इसलिए इस सारे क्वेश्चन जो है आप लोग को याद करवा दे रहे हैं, एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद लिखिए राइट द नेम ऑफ थ्री फ्रूट्स। अब तीन फ्रूट्स का नाम बताना है आप लोग को, कोई तीन फ्रूट्स का नाम बता दीजिए। चलिए तीन कोई भी फ्रूट का नाम लेते हैं, एप्पल, मैंगो, एप्पल मैंगो और बोलिए, और ले लेते हैं ग्रेप्स, ग्रेप्स, एप्पल मैंगो और ग्रेप्स। ठीक है, कौन कौन सा मीनिंग, कौन सा लिए, एप्पल मैंगो और ग्रेप्स। ठीक है, राइट द नेम ऑफ थ्री ग्रीन वेजिटेबल में कहेंगे तो कैबेज, पी, स्पिंच। राइट द नेम ऑफ थ्री फ्रूट्स, एप्पल मैंगो और ग्रेप्स। चलिए बच्चों, उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को कहेगा कभी क्वेश्चन में कि तीन जंक फूड का नाम बताइए, तो आप लोग क्या बताइएगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। जंक फूड, तीन जंक फूड के बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है बच्चों, कितने जंक फूड के बारे में बताना है, तीन जंक फूड के बारे में। तो आप लोग का हो जाएगा क्या, नूडल्स हो जाएगा, नूडल्स, अच्छा पिज्जा आप लोग खाते हैं ना, तो पिज्जा हो जाएगा, पिज्जा, और क्या ले लीजिएगा, बर्गर्स, पिज्जास कर दीजिए और बर्गर कर दीजिए, बर्गर्स। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों, ये आप लोग के क्या है, जंक फूड में आते हैं। कौन से फूड में आते हैं बच्चों, जंक फूड में। ठीक है, किस तरह का फूड है, तो जंक फूड है। ठीक है, जंक फूड में कौन कौन सा आ गया, नूडल, पिज्जा, बर्गर्स, ये सब कौन सा फूड होता है, जंक फूड होता है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोग नोट कीजिएगा, ये बताइए आप लोग, यानी कि हम लोग पूरे डे में कितने टाइम्स भोजन करते हैं,
मुख्य रूप से थ्री टाइम्स, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, है ना। तो ब्रेकफास्ट हम लोग किस टाइम करते हैं बच्चों? मॉर्निंग के टाइम में, ठीक है। लंच किस टाइम करते हैं? आफ्टरनून में, दोपहर के समय में। और डिनर कब करते हैं बच्चों? नाइट में, है ना। चलिए उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर फोर में ले लेते हैं। हु गिव्स अस एनर्जी, हु गिव्स अस एनर्जी, हम लोग को एनर्जी कौन देता है? हु गिव्स अस एनर्जी, तो हम लोग को एनर्जी कौन देता है बच्चों? तो लिखेंगे फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड के द्वारा हम लोग को क्या चीज प्राप्ति होती है बच्चों? एनर्जी की प्राप्ति होती है, है ना। फूड के द्वारा हम लोग को क्या चीज प्राप्ति होती है? एनर्जी प्राप्त होती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? किसी भी वर्क को कर सकते हैं, कोई वर्क हो वो हम लोग कर सकते हैं। तो आज हमने जो ये चार क्वेश्चन आप लोग को, बस ये चार क्वेश्चन है, आप लोग को ज्यादा नहीं लिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही लिखाएंगे। तो ये चार क्वेश्चन है आप लोग को कल मेक करना है, और बच्चों फिर कॉपी में भी नोट करते हुए चलना है और याद भी कर लेना है, ठीक है। इन सारी भी चीजों को फिर कॉपी में आप लोग नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। अच्छा बच्चों, आप लोग से पूछा जाए हु कुक्स फूड फॉर द फैमिली, तो आप लोग क्या बताइएगा? हु कुक्स फूड फॉर द फैमिली, फैमिली के लिए खाना कौन पकाते हैं? हाँ, तो मदर कुक्स फूड फॉर द फैमिली, ठीक है, मदर कुक्स फूड फॉर फैमिली। ये सारे जो क्वेश्चन है ये सब कुछ आप लोग याद भी रखिएगा। आप लोग के लिए खाना कौन पकाती है? मम्मी पकाती है। तो कैसे, अगर कोई पूछे आप लोग को बच्चों बताएं कि हु कुक्स फूड फॉर द फैमिली, तो आप लोग क्या बोलेगा? मदर्स कुक फूड फॉर द फैमिली, ठीक है। आप लोग से पूछा जाएगा कि आप लोग ब्रेकफास्ट किस टाइम करते हैं, तो आप लोग ब्रेकफास्ट किस टाइम करते हैं? मॉर्निंग के टाइम में। और लंच किस टाइम करते हैं? तो आफ्टरनून में। डिनर किस टाइम करते हैं? तो नाइट में करते हैं, ठीक है। आप लोग को अगर पूछा जाए दो ब्रेकफास्ट आइटम का नाम बताइए, कुछ दो ब्रेकफास्ट में आप लोग क्या क्या खाते हैं, तो कुछ भी आप लोग बता दीजिएगा। जैसे इसमें बुक में के अनुसार दिया हुआ है, सैंडविच दिया हुआ है, ब्रेड जैम दिया हुआ है, इडली वड़ा दिया हुआ है, ठीक है, एग एंड ऑमलेट दिया हुआ है। तो आप लोग कुछ जो भी आप लोग ब्रेकफास्ट में करते हो वो आप बता दीजिएगा। फिर आप लोग से अगर कोई पूछे कि अच्छा बताओ लंच में आप लोग क्या खाते हो, तो लंच में चपाती, वेजिटेबल, राइस, दाल, सलाद, ठीक है, इस तरह से कर्ड, इस तरह से जो हमसे यानी कि जिस तरह से पूछा जाए तो आप लोग बता दीजिएगा कि लंच में ये खाना जाता है, ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट में हम लोग कोई भी हल्का भोजन करते हैं, ठीक है, नाइट में। उसके बाद डिनर में क्या होता है? तो डिनर में जनरली हम लोग जो लंच रहता है, लंच की तरह जो बनता है, यानी कि जो लंच में हम लोग यूज करते हैं भोजन को, जनरली उसी सब भोजन को हम लोग डिनर में भी यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि रोटी खा रहे हैं तो ऐसा भी होता है कि नाइट में भी रोटी ही खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि नाइट का भोजन कुछ और होता है, ऐसा कोई कोई क्या भोजन नहीं होता है कि नाइट का भोजन अलग होता है, ठीक है। केवल वो नाइट का भोजन का नाम बताया कि ये नाइट के भोजन को कहा जाता है क्या? डिनर, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस टाइम का भोजन कुछ अलग रहता है, क्या कुछ अलग रहता है उस टाइम का भोजन? ऐसा तो है नहीं। जो आप लोग को अभी है यानी कि लंच में रहता है या ब्रेकफास्ट में रहता है, वही सब हम लोग को क्या कब मिलता है? डिनर में मिलता है। अब ये नहीं हम कह रहे हैं कि जो बना हुआ था वही मिलता है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम बनकर मिलता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग का दिमाग थोड़ा सा चलता है इसलिए बोल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अब हम लोग इसको पहले याद कर लेंगे, याद करके उसके बाद आप लोग को आगे का क्वेश्चन जो है वो बताएंगे। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, एक बार रिपीट कीजिएगा बच्चों। ब्रेकफास्ट आप लोग कब करते हैं? ब्रेकफास्ट कब करते हैं? मॉर्निंग में ना, ठीक है। लंच कब करते हैं? आफ्टरनून में, ठीक है। डिनर कब करते हैं? नाइट में, गुड। अच्छा अब बताइए हु कुक्स फूड फॉर द फैमिली, तो मदर ना, ठीक है। तीन ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट वगैरह ये सब जो था जंक फूड, हु गिव अस एनर्जी, ये सारे चीज को आप लोग देख लीजिएगा, ओके बच्चों, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो आज आप लोग का होमवर्क में क्या रहेगा? आज आप लोग का होमवर्क में रहेगा बच्चों, होमवर्क में SST में एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन आंसर आप लोग को क्या कर लेना है?
मेक करना है एंड मेमो करना है। जो हम लिखवाए हैं बच्चों वही क्वेश्चन आंसर आप लोग को मेक और मेमो करना है, ठीक है। बुक वाला क्वेश्चन आंसर आप लोग को मेक और मेमो नहीं करना है, वो हम लिखवाएंगे आप लोग को। आज जो हम लिखवाएं उसी क्वेश्चन को मेक और मेमो कीजिएगा, ठीक है। उसको फेयर कॉपी में भी लिख लीजिएगा। ओके बच्चों।